निधिपति गुं हवामहे ओं गंगाधिपते नमः स्वाहा। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव मंदिर। मैं घर से निकल चुका हूँ तो वो लोग मिलेंगे मेन रोड पे, यहाँ की जो मेन रोड है, क्योंकि 4-5 लोग हैं वहाँ से है गाड़ी। तो फिलहाल शायद आपने देखा होगा एक देवगुरु का ब्लॉग मेरा, तो इससे पहले मैं एक बार गया हूँ तो आज सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, तो ब्लॉग पर बने रहना। तो भगवान देवगुरु बृहस्पति देव के आपको भी दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। हम निकल चुके हैं खंजू से, तो 20-30 लोग अभी हैं यहाँ हमारे साथ। तो वहाँ हो रही है हवन पूजा, तो बृहस्पति देव मंदिर में आज करेंगे हवन पूजा। हम लोग जा रहे हैं बाइक में, तो पीछे से एक आ रही है बाइक से 3-4 बाइक, बहुत सारे लोग हैं। आज ब्लॉग तगड़ा बनने वाला है और ब्लॉग पूरा देखना। तो गाइज यहाँ पर हैं दो रोड, तो हमें जाना है लेफ्ट साइड से। जो राइट साइड की रोड है यह जाती है रीठा साहिब। तो गाइज जल्दी पहुँचने वाले हैं हम, और मैं और मेरे साथ में डिकर और अर्जुन भी। तो हम लोग जा रहे हैं एक गाड़ी में, और लोग आ रहे हैं एक साथ। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं देवली, तो ये चेक करो इतने सारे लोग हमारे साथ। तो यहाँ से हमें करना है पैदल ट्रैक, जो 4-5 किलोमीटर बनने वाला है लगभग। तो हमारी पैदल ट्रैकिंग हो चुकी है स्टार्ट, तो ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ सबसे पीछे। तो गाइज यहाँ पर हमने ले लिया सेकेंड स्टॉप। तो फर्स्ट स्टॉप में हमने वीडियो नहीं बनाई, तो सभी जो सयाने सयाने हैं सब थके हैं, तो हम लड़के लड़के यहाँ पहुँच गए, तो सयाने लोग भी आ गए हमारे थके थके। तो लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है ट्रैक करते करते, तो आधा एक घंटा और लग सकता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ललित भाई फोटो शूट कर रहे हैं। पूरे आ रहे जय हो भगवान। तो यहाँ पर है मंदिर हनुमान जी, तो ये रहते हैं यहाँ पर बाबा जी। तो यहाँ हम पी के आते हैं पानी। तो हम पहुँच चुके हैं देवगुरु बृहस्पति देव मंदिर, तो सामने मंदिर दिख रहा होगा। तो 12 बज गए, तो ट्रैक करते करते लगभग हमें लग गए थे 2 घंटे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं बृहस्पति देव मंदिर, तो ये चेक करो, भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सभी लोग पहुँच चुके हैं। जो पहाड़ के टॉप में है, तो सबसे टॉप का पहाड़ जो है ये। तो यहाँ सभी लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारियाँ। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, और ऊपर पूजा पाठ होगी और उसके बाद प्रसादी बन रही है, तो वहाँ आपको ले चलता हूँ। अरे पंडित जी यहाँ पर बना रहे हैं प्रसाद, क्या बन रही है? खीर। तो ये पंडित जी यहाँ पर खीर बना रहे हैं। तो फिलहाल पूजा हो गई, तो इसके बाद होगा हवन। अगर आप बृहस्पति देव देवगुरु मंदिर नहीं आए तो एक बार जरूर आएं,
भगवान के साथ साथ ही सुंदर सुंदर व्यू का आनंद ले सकते हैं। जगदम्बा मैया की जय। बोलिए श्री पंचनाम 33 कोटि देवी देवताओं की जय। हरि ही ओम ओम गणानंत्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियापति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसु मम अहम जानी गर्भदम तुम जासी गर्भदम ओम गंगलाधिपते नमः स्वाहा। ओम गंगलाधिपते नमः स्वाहा। यस पाते अति अधर्यो अरहाद्य मध्य भाते क्रतुम जनेथो जदद्वि दयासावसारे प्रजाता ततद्रस्पा सुदबिडं देहि चित्रम अरहाद्य मध्य भाते क्रतुम अजनेखो जदद्वि दयासावसारे प्रजाता ततद्रस्मा सुदबिडं देहि चित्रम गुरुवे नमः स्वाहा। क्रतुम अजनेखो जदद्वि दयासावसारे प्रजाता ततद्रस्मा सुदबिडं देहि चित्रम गुरुवे नमः स्वाहा। फिलहाल पूजा हवन सब कुछ हो चुका है, तो प्रसाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। तो एक बार व्यू चेक करो, मस्त प्यारा सा व्यू जो यहाँ से दिखता है। तो मंदिर की बात करें तो कुछ इस तरह, अगर आप लोग नहीं आए तो एक बार ज़रूर आएँ, तो बृहस्पति देव के दर्शन करने। तो पूजा पाठ हो चुकी है, तो प्रसाद ग्रहण भी हो गया, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो सभी लोग रेडी हैं, सामान वामान रख लिया। भगवान जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और सभी भक्त एक साथ फिर से भगवान जी के दर्शन करने जल्दी हैं। गाइस पूजा पाठ करके अब हम जा रहे हैं घर की साइड, तो अब हमें नीचे की साइड को पैदल ट्रैक करना है। तो हमारे साथ कैलाश भाई, तो मैं और सभी लोग चले गए थे, तो थोड़ा काम था इसलिए हम रुके। तो अभी थोड़ा मौसम बादल बादल और साथ में धूप। तो गाइस हम रोड में पहुंच गए और सभी लोग आगे को चले गए, तो अभी हम हैं सबसे पीछे।